हेलो किड्स, टुडे वी लर्न एंड रीड चैप्टर 2 SST क्लास 3 आर अर्थ। लेट्स स्टार्ट। वी लिव ऑन अ प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। इट इज होम टू ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ ट्री एंड स्मॉल प्लांट्स। इट इज स्पेशल एट इट इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ ऑन इट। मीन्स हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। और ये ह्यूमन बीइंग का ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का और मिलियन और ट्री और स्मॉल प्लांट्स का भी होम है। ये इतना स्पेशल इसलिए है कि सोलर सिस्टम का यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये देखिए, ये पिक्चर जो है अर्थ का है, ये स्पेस से लिया गया पिक्चर है। स्पेस से अर्थ ऐसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। और अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 मीन्स 29% इज कवर्ड विथ लैंड। हैंस इट्स लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस। द मेजर फैक्टर्स दैट मेक द अर्थ ओनली प्लेनेट टू हैव लाइफ ऑन इट आर। ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये किससे मिलके बना है? लैंड, वाटर और एयर से मिलके बना है। इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि उसका जो 3/4 यानी 71% पार्ट जो अर्थ का है वो वाटर से कवर है और 1/4 यानी 29% पार्ट जो है वो लैंड से कवर है। और ये स्पेस से देखने पे ब्लू दिखती है, इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, द प्रेजेंस ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर द लिविंग बींग्स। इट इज नाइदर टू फार नॉर टू क्लोज टू द सन, दस इज हैड द सुटेबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंडीशन फॉर लिविंग बींग टू सर्वाइव। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, वो मेजर फैक्टर्स वो क्या क्या हैं? सबसे पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि सारी लिविंग फॉर्म्स के लिए, सारी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर बहुत नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी कि ये भी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्रीथिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं, ना तो सन के बहुत क्लोज है और ना ही बहुत दूर है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है और क्लाइमेट कंडीशन भी सारी सुटेबल हैं फॉर लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। डू यू नो साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन एग्जिस्टेंस, बट ओनली अराउंड 1.2 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल लाइक अ बॉल। तो कैसा शेप होता है अर्थ का? स्पेरिकल बॉल जैसा होता है। इन ओल्डन डेज पीपल वर अफ्रेड टू ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेज एंड क्रॉस ग्रेट वाटर बॉडीज। दे प्रिज्यूम दैट द अर्थ वॉट फ्लैट, सो पीपल थॉट दैट इफ दे ट्रेवल टू फार दे वुड रीच द अदर एंड ऑफ द अर्थ एंड फॉल ऑफ द एजेस। तो किड्स, पहले के ज़माने में जो पीपल थे वो दूर डिस्टेंस पे जाने के लिए और वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि वो प्री अज्यूम, मतलब वो ऐसा सोच रखा था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, अगर वो लंबी दूरी तक एक स्थान से चलते जाएंगे तो वो दूसरे एंड तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से उनको लगता था, इस तरीके से उसका दूसरा एंड होगा और वो उसकी एजेस से गिर जाएंगे, तो वो दूर जाने के लिए बहुत डरते थे। अबाउट 500 ईयर एगो अ पोर्टुगीज सेलर फर्डिनेंड मैगलन अलॉन्ग विथ हिज क्रू स्टार्टेड अ लॉन्ग वॉयज फ्रॉम स्पेन टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। मैगलन सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली एंड फॉर 3 years। फाइनली मैगलन शिप्ड रीच द सेम प्लेस इन 1522 फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। 500 ईयर एगो, मतलब 500 साल पहले, एक पुर्तगाली जिसका नाम फर्डिनेंड मैगलन था, उसने अपने क्रू मेंबर के साथ, मतलब अपने साथ एक टीम लेके लॉन्ग वॉयज फ्रॉम स्पेन, मतलब एक लंबी यात्रा स्पेन से स्टार्ट करी ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ जो है वो शेप, राउंड इन शेप है। एंड मैगलन सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 years, और वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक ही डायरेक्शन में लगातार 3 साल तक चलते रहे। फाइनली मैगलन सिर्फ रीच द सेम प्लेस इन 1522 फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। और फाइनली 3 साल बाद इन 1522 में वो उसी स्थान पे पहुंच गए, यानी स्पेन वापस पहुंच गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। मैगलन वॉज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट द अर्थ इज स्पेरिकल लाइक एन ऑरेंज। और इस तरीके से मैगलन ने आराम से प्रूव कर दिया था कि अर्थ ऑरेंज की तरह एक स्पेरिकल शेप में है।
एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस बाय द एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। और एस्ट्रोनॉट्स और जो अर्थ की स्पेस से फोटो ली गई इसके थ्रू भी ये प्रूफ हो चुका है कि अर्थ राउंड इन शेप है। हाउएवर द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अ ऑरेंज बीइंग स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड द बॉटम। और अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है, मतलब शेप राउंड तो है लेकिन ऑरेंज की तरह स्फेरिकल शेप है, यानी कि टॉप और बॉटम से थोड़ा सा फ्लैट है, तो ऑरेंज की तरह दिखता है। दस द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज जोइड। जोइड मीन्स ऐसा अर्थ सर्फेस जो कि ग्रेविटी के अंदर आता है, मीन्स ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन एंड कोस्ट। When we stand facing a vast land or the sea, the sky appears to meet the land or the sea at the other end. The line at which the land, sea and the sky appear to meet is known as horizon. In reality, the sky and the land, sea never meet. तो हॉरिजन क्या होता है बच्चों, जब हम लैंड की तरफ फेस करके खड़े होते हैं या फिर हम सी की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि लैंड और स्काई या सी और स्काई एक एंड पे मिल रहे हो। तो ऐसी लाइन जहाँ पे लैंड और सी स्काई से मिलते हुए अपीयर होते हैं इस लाइन को हम हॉरिजॉन बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लैंड और स्काई या लैंड और सी कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए इस पिक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सी और स्काई एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये एक लाइन सी दिख रही है ना, इसी लाइन को हम हॉरिजन बोलते हैं, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट एट द पार्ट ऑफ द लैंड एडजॉइनिंग द सी इज कॉल्ड द कोस्ट। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं या फिर लैंड का कोई पार्ट सी से जॉइंट होता है, ऐसे पार्ट को हम कोस्ट या तट बोलते हैं या किनारा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो इट मे सीन दैट द अर्थ इज स्टिल बट इन रियल इट इज ऑलवेज मूविंग। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें ऐसा दिखता है या ऐसा लगता है कि अर्थ स्टिल है, मतलब रुकी हुई है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अर्थ हमेशा मूव करती रहती है अपने एक्सिस पे अराउंड द सन। इसके जो मूवमेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। व्हाट इज रोटेशन? तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज कॉल्ड डेली मोशन और द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस कॉजेज डे एंड नाइट। तो देखिए इस तरीके से एक्सिस दिख रहा है, इस तरीके से अर्थ का एक एक्सिस होता है, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है और एक साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट करती है वेस्ट टू ईस्ट एंड विच इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं डेली मोशन या रोटेशन। और इसी एक्सिस रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट 365 डेज यानी वन ईयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन। तो बच्चों आपको पता है एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे अपने एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करती है, उसको तो रोटेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से ये देखिए सन है और एक पर्टिकुलर एलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ वो एक राउंड कंप्लीट करती है और वो राउंड वो 365 डेज में कंप्लीट करती है, तो इसको हम एनुअल रोटेशन बोलते हैं। और इसी की वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं और ये एनुअल रोटेशन यानी वन ईयर में पूरा रोटेशन एक कंप्लीट करती है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और अपने एक्सिस के चारों तरफ 24 आवर में जो वन रोटेशन कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं रोटेशन। और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज कॉजेस चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। स्पेयर ऑफ द अर्थ, द अर्थ कंप्राइजेस फोर स्पेयर या रियल्स, नेमली द एटमोस्फियर मीन्स एयर रिलेटेड, हाइड्रोस्फियर मीन्स वाटर रिलेटेड, लिथोस्फियर मीन्स लैंड रिलेटेड एंड बायोस्फियर मीन्स लिविंग बींग्स रिलेटेड। ऑल द स्पेयर ऑफ द अर्थ have their own significance for the survival of life on the earth. Earth को four main spheres में divide किया गया। Atmosphere मतलब air से related जो reason है उसको हम atmosphere बोलते हैं, और hydrosphere water से related जो reason है उसको hydrosphere बोलते हैं, और land से related जो reason है उसको हम lithosphere बोलते हैं। और biosphere के अंदर सारी all the living things आ जाती हैं जिनके survival के लिए atmosphere, hydrosphere और lithosphere तीनों ही बहुत important है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमोसफियर। तो अर्थ जो है वो चारों तरफ एक लेयर की एयर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, उसको हम एटमोसफियर बोलते हैं। इस द लेयर हैज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल एंड वाटर। तो इस लेयर के अंदर क्या क्या होता है?
ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, अदर गैसेस भी होती है स्मॉल अमाउंट में, और अदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वाटर वाटर वेपर्स होता है. वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस. द अर्थ हैज 21% ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय द ऑल लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ. हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं, हम सभी ने फील किया हुआ है. अर्थ में जो होता है वो 21% तो ऑक्सीजन होता है, जो कि जितनी भी उसमें लिविंग थिंग हैं जिनको ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दिस इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर. अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर है, तो उसको ही हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं. वाटर इज फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स इन द हाइड्रोस्फीयर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. द लाइफ ऑफ द ऑल द एक्वेटिक क्रिएचर इज सपोर्टेड इन द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर की तीनों फॉर्म्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म यानी वाटर वेपर, सॉलिड फॉर्म यानी आइस. तीनों फॉर्म ही इंक्लूड होकर हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं. और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब क्रिएचर्स हैं, मतलब जो कि पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ के लिए हाइड्रोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज लैंड इज नोन एज लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप रॉक्स, प्लांट्स एंड ट्री. इट सपोर्ट द लाइफ ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग. तो वो सर्फेस जिसपे लैंड है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. और ये किससे मिलके बना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रॉक्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ट्री आते हैं. लिथोस्फीयर जो होता है वो ऑल लैंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग की लाइफ को सपोर्ट करता है. द एवव 3 स्पेयर्स टूगेदर फॉर्म अ बायोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द लाइफ ऑन द लैंड, इन द वॉटर एंड इन द एयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स. तो ये तीनों स्पेयर, कौन कौन से स्पेयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलके जो फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर के अंदर सभी लैंड एनिमल्स की या वाटर एनिमल्स की और एयर में जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, इन सभी की लाइफ को हम डिस्क्राइब करते हैं, लाइक प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस. तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस क्या होते हैं, अर्थ के अंदर लैंड मासेस भी हैं, मतलब लैंड भी है बहुत सारी और वाटर बॉडीज भी हैं. लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज को हम ओशियंस बोलते हैं. देयर आर स्मॉल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सच एज सी, रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. अर्थ पे जो स्मॉल वाटर बॉडीज है वो किस फॉर्म में मिलती है, सी, रिवर्स एंड पॉन्ड्स और लेक्स की फॉर्म में मिलती है. तो यहाँ पे कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं इन द वर्ल्ड में. तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. द 5 ओशियंस आ रहे हैं पैसिफिक ओशियंस, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन, अटलांटिक ओशियन, बिजिएस्ट ओशियन, इंडियन ओशियन, द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, एंड एंटार्क्टिक और साउथर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन. मीन्स सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, एशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और एक इंडियन ओशियन है जो कंट्री के नाम पे जिसका नाम पड़ा है. स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, आर्कटिक, एंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, यस, पैसिफिक ओशियन. तो ये देखिए ये पिक्चर में शो किया गया है किस तरीके से है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, अटलांटिक ओशियन है, अफ्रीका है, इंडियन ओशियन है, ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक ओशियन इधर है, एंड साउथर्न ओशियन एंटार्क्टिका. ये चैप्टर इसी के साथ हमारा फिनिश होता है. आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.